ग्रैंड होटल रीओपन हो चुका है कोविड 19 के रिस्ट्रिक्शंस के बाद। जी हाँ, लॉकडाउन के अंदर हॉस्पिटलिटी जो सेगमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा असर में आ गया था, लेकिन अब ऐसा से सारी सर्विसेज रेज्यूम हो रहे हैं। याद रखिए, सिर्फ सर्विस रेज्यूम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रैंड होटल ने अपने सारे सर्विसेज को रेज्यूम किया विद हाईएस्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस और सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के साथ। अगर आप लॉजिंग और बोर्डिंग की बात करते हैं, जब भी कस्टमर आता है तो उसको पहले सैनिटाइज किया जाता है और उसके लगेज को फ्यूमिगेट किया जाता है। उसके बाद उसकी एंट्री और ट्रैवल हिस्ट्री लिखी जाती है, और जब भी उसका रूम एलोकेट किया जाता है उससे पहले सैनिटाइज किया जाता है। और रही बात खाने की, तो डोर स्टेप डिलीवरी भी खाने की दी जाती है विद डिस्पोजेबल मेन्यू। और कस्टमर जब भी चेकआउट करता है तो वापस से रूम को सैनिटाइज किया जाता है और कस्टमर के लगेज को फिर से फ्यूमिगेट किया जाता है ताकि आपको मिले डबल प्रोटेक्शन। रेस्टोरेंट की अगर बात करें तो हाईएस्ट क्वालिटी फूड तो रेस्टोरेंट देती आ रही है, लेकिन अब सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हैं। चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ रहने दो या फिर शेफ्स, सभी हेड कैप्स, ग्लव्स और मास्क के साथ आपको नजर आएंगे। एंटायर रेंज के अंदर चाहे वो कबाब से रहने दो या एग्जॉटिक बिरयानी, हर चीज अप टू डेट है और क्वालिटी नंबर वन। अगर मेन्यू की बात करें तो डिस्पोजेबल मेन्यू प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि मेन्यू यूज करने के बाद उसे डिस्पोज किया जाता है। या आई एम मिस्टर प्रशांत बिजासपुर। रिसेंटली आई हैव बीन टू ताज एग्जॉटिका, एंड ताज एग्जॉटिका बींग अ वेरी बिग 5-star होटल ऑफ टाटा ग्रुप्स, बहुत बड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ वो अपना हॉस्पिटैलिटी को निभा रहे थे, एंड वही सेम चीज़ मैंने इस ग्रैंड होटल में देखा है। और आई फेल्ट वेरी गुड कि गुलबर्गा में ऐसा फैंटास्टिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहा है, और आई थैंक ऑल द मैनेजमेंट पीपल हु हैव बीन टेकिंग सो मच ऑफ कॉशंस एंड इनिशिएटिव्स फॉर देयर गेस्ट बेस। एंड मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार ग्रैंड होटल आइए और एक्सपीरियंस करिए यहाँ के सर्विसेज को, और आई विल टेल यू कि आप बहुत सेफ्टी महसूस करेंगे। हाय, मेरा नाम रफी बोलके, मैं सेल्स मैनेजर हूँ फ्रॉम भारत होंडा कार्स गुलबर्गा से। मैं यहाँ पर आया हूँ विद माई फैमिली के साथ, और मुझे अच्छा लग रहा है आफ्टर लॉकडाउन के बाद इतना अच्छा जो फैसिलिटी यहाँ पर जो मिल रहा है ग्रैंड होटल में, इट्स वन ऑफ द गुड। आई हैव सीन विद ऑल स्टाफ के साथ जो भी मीन्स जो कोविड में जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, प्रिकॉशंस एवरीथिंग दे आर यूजिंग। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, यू कैन कम विथ योर फैमिली एंड यू कैन एन्जॉय योर वीकेंड्स अलॉन्ग विद द वीकडेज ऑल्सो। देखिए सर, जो है ना एक्चुअली तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, जो है ना हम लोगों ने जो है ना ये पैंडमिक की वजह से कितना सफ़र किया है, जो है ना ख़ास तौर पे जो है ना हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, दिस टू इंडस्ट्रीज हैज सफर्ड अलॉट एंड दिस हैज़ बीन नोन टू एवरीबडी एक्चुअली, एंड वी आर वन अ पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली, उसके पार्ट हैं हम भी जो है ना, उसका पार्ट हैं जो है ना। तो इसीलिए जो है ना हम हर वक्त जो है ना ये सारे चीज़ें सोचते हुए जो है ना ये इंडस्ट्री में जो है ना कैसा सर्वाइव करना, इसके लिए जो है ना फिर लोगों को भी गेस्ट को भी जो है ना हम कैसा उनके लिए भी जो है ना सेफ्टी मेजर्स देखना, ये सारे चीज़ों को जो है ना ध्यान में रखते हुए हर वक्त हम जो है ना इसके लिए जो है ना चीज़ों को जो है ना अपग्रेड करते रहे जो है ना। तो बीच में जो है ना गुलबर्गा में जो है ना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, उस टाइम पे हम जो है ना हमारा ऑपरेशन थोड़ा स्लो डाउन कर दिया पूरा, जो है ना स्लो डाउन करके जो है ना फिर आगे जो है ना जैसे ही जो है ना ज़रा केसेस वगैरह थोड़ा गुलबर्गा के नियर बाई गुलबर्गा डिवीज़न में केसेस जैसे ही कम होना शुरू हो गए, तो फिर हम ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री जैसा एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया, फिर दूसरे फैसिलिटीज़ भी आहिस्ता स्टार्ट होने लगे, तो हमने सोचा कि जो है ना 1 नवंबर से फिर हम जो है ना पूरे कोविड जो है ना प्रोफाइल को जो है ना कम्प्लीटली उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करते हुए, और हमारे कस्टमर हमारे गेस्ट हमारे जो है ना प्रिविलेज्ड गेस्ट को जो है ना पूरी तरीके से जो है ना हम उनका जो है ना ध्यान रखते हुए फिर ये जो है ना स्टेप ले लिए जो है ना कि 1 नवंबर से हम ओपन किए करेंगे बोल के, और आज ओपन किए हैं हम इसलिए। या सर नंबर वन, एज पर द रूल्स एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ मैं अगर से सोचूँ कि मैं अगर बात करूँ लॉजिंग की, लॉजिंग में जैसे ही गेस्ट आ जाता अंदर,
लॉजिंग में गेस्ट जैसा ही अंदर आता है, हम उसके बैग को सैनिटाइज करते हैं, फॉगिंग करके सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद जो है ना, उनको जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए विद कम्प्लीटली प्रिकॉशंस मेंटेन करते हुए उनका जो है ना पूरा डिटेल जो भी जो है ना उनका इंफॉर्मेशन लेना है लेके उनको जो है ना रूम में चेक इन कराते हैं। और रूम में भी जो है ना उनके आने से पहले रूम को फॉगिंग करना और उसको जो है ना पेस्टिसाइड पहले ही करे हुए हैं, फिर फॉगिंग वगैरह करवा के पूरा जो है ना कंप्लीट तरीके से जो है ना हम गेस्ट की सेफ्टी को देखते हुए उनको चेक इन करवाते हैं। ये एक हुआ है हमारा लॉजिंग का मसला। अब रेस्टोरेंट का ऐसा है, रेस्टोरेंट में भी जो है ना हम लोग पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। रेस्टोरेंट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें किचन इन्वॉल्वड है, जिसमें जो है ना सर्विस इन्वॉल्व है, जिसमें खाना पीना इन्वॉल्व है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री फॉर द सेफ्टी ऑफ गेस्ट। तो उनके लिए जो है ना हम लोग जो है ना पूरी तरीके से जो है ना किचन से लेके एफ एंड बी सेक्शन तक जो है ना मतलब जो है ना कैप्टन होंगे, हमारा स्टीवर्स होंगे, हमारा बैठना या हमारा जो है ना क्रॉकरी कटलरी का यूज़ होना, ये सारे चीज़ें जो है ना उसी प्रोफाइल के हिसाब से हम जो है ना मेंटेन करते हुए कर रहे हैं जो है ना। मैं लास्टली एक बोलना चाहता हूँ जो है ना गुलबर्गा के सारे लोगों को जो है ना, जो लोग भी हमारे लिए जो है ना हर वक्त कोऑपरेट करे हैं, हर वक्त हमारा साथ दिए हैं जो है ना, अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो है ना विद दैट कॉन्फिडेंस ओनली वो जो है ना हमारे पास आएँ, हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, हमारे पास ठहरें, हमारे ऊपर ट्रस्ट करें जो है ना, हमारी वो ट्रस्ट बॉन्डिंग जो है ना वी वांट टू मेंटेन इट एंड वी वांट टू मेक इट सो स्ट्रांग इन फ्यूचर आल्सो। हम लोग आए हैं यहाँ पे इतने दिनों बाद, पहले डाइनिंग करने आए हैं यहाँ पे। हम लोगों ने देखा कि पूरी सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो की जाती है, जैसे कोविड प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल में जब मास्क, सैनिटाइज़र्स ये सब हमको यहाँ से मिल जाता है। जैसे आने के बाद आपको सैनिटाइज़ करना पड़ता है अपने हाथ, फिर उसके बाद पूरा आपका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है। उसके बाद फिर आपको अंदर जाने के बाद पूरा जो आपके पूरे जो स्टाफ है यहाँ पे, जो पूरा स्टाफ पूरा मास्क लगा के रहता है एंड फेस शील्ड लगा के रहता है, वो आके आपको पूरा टेक केयर करते हैं कि कैसा करना है, सैनिटाइज़ किया है कि नहीं ये भी पूछते हैं। और उसके बाद पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके, कोविड का प्रोटोकॉल एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ये अच्छा हुआ है। और हम लोगों ने देखा कि इसके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। खाना खाने के लिए जाते हैं सर, एक डर थोड़ा सा तो लगता ही है, बट वो इधर आने के बाद देखा ऐसा प्रिकॉशन लिया जा रहा है, वो देख कर हमें भी बहुत तसल्ली मिल रही है कि इधर ऐसा डरना ज़रूरत नहीं है। तो आराम से आकर सेफली आप खाना खा कर जा सकते हैं।